अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरवक टीवी के साथ मैं हूं अरवा लियाकत और आप देख रहे हैं बेनकाब। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के ऑफिस में और हमारे साथ इस टाइम कुछ गेस्ट बैठे हैं और चले हम उनसे हालवाल कर लेते हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सी मुश्किलें पेश आ रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए, बलूचिस्तान में रहते हुए किन किन मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना नाम बता दें। जी नसरुल्ला शावानी मेरा नाम है और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ बरवक्त टीवी का कि उन्होंने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे मसाइल जानने की कोशिश की। आपका जो NGO है या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ के रिलेटेड काम करें? ब्लाइंड के हवाले से काम करते हैं और उनको तालीम ट्रेनिंग्स और उनके जॉब्स के लिए हम काम करते हैं। तालीम और ट्रेनिंग्स में जो है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं जिसमें दस्तकारी भी है, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है आपको पता है, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग है, मोबाइल की ट्रेनिंग है, मोबाइल टॉकिंग सॉफ्टवेयर चूँकि हम इस्तेमाल करते हैं तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं ताकि वो जदीद माशरे के साथ जो है वो चल सकें। तो सोशल वेलफेयर जो हमारे यहाँ है, जिनका काम है कि आपको हर चीज़ से वो नवाजे, जो प्रोवाइड करे, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो नीड्स हैं आपकी, वो पूरी करे, तो आपको लग रहा है कि वो पूरी हो रही है सर? नहीं मैम, इस तरह से है कि हमें इसलिए नहीं लग रहा है सोशल वेलफेयर का कि सोशल वेलफेयर जो है बिलखसूस विजुअली इम्पेयर्ड को बहुत जगहों पर नज़रअंदाज करती है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो नीड्स हैं या 2017 वाले एक्ट में जो हमें रिक्वायरमेंट्स हमने डलवाई हैं या उसमें हैं हमारी, वो बिल्कुल भी वो नहीं करते। हमारे लोगों को लैपटॉप्स चाहिए, हमारे लोगों को जो है टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स चाहिए, हमारे लोगों को चूंकि ये आपको पता है पसमंदा सूबा है और यहाँ पर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर है अगर उसका हम लाइसेंस भी परचेज करते हैं तो वो लाइसेंस सिर्फ हमें जो है $1200 में मिलता है। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक लाइसेंस परचेज करने के लिए अगर हमें $1200 पे करने पड़ेंगे तो आगे हम कैसे अपने नीड्स को पूरा कर सकेंगे। तो लिहाजा सोशल वेलफेयर से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके तवसुत से कि जिस तरह दूसरे जो है डिसेबल पर्सनस को आप वक्तन फवक्तन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हमारे जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए हमारे पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उनको लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करें और टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स और मोबाइल्स प्रोवाइड करें। आप एजुकेटेड हैं? जी मैंने MA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और इस वक्त मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ टेक्निकल साइड पर। आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा है, कौन सी मुश्किल आई हैं? मुश्किल तो उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, हमें ज़ाहिर पढ़ने लिखने में जैसे हमारे ब्रेल बुक्स वो हमारे अवेलेबल नहीं थे और ब्रेल बुक्स के बग़ैर हमने पढ़ा है, अगर मिडल तक या प्राइमरी तक हमने पढ़ा है तो वो सिंध कोर्स पर हमने पढ़ा है। बलूचिस्तान बदकिस्मती से बलूचिस्तान में जो है ब्रेल प्रेस हमारा नहीं है और इसी तरह जो है हम रिकॉर्डिंग करके अपने टेप रिकॉर्डर के थ्रू उस टाइम रिकॉर्डिंग करके किसी बंदे को पकड़ के जो है हम वो कर उसके ज़रिए हमने एजुकेशन हासिल की। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर एक्सेसिबल फॉर्म में PDF में आप चीज़ों को कन्वर्ट करें तो हमारी टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें दूसरे बंदे की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, महंगी होने की वजह से जो है हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग वो जो है एजुकेशन छोड़ देते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले जो जहाँ पे इंसान पैदा होता है, जहाँ से उसके ज़िंदगी के लम्हात स्टार्ट होते हैं, वो जिस घर में पैदा होता है, आपको उस सोसाइटी ने क्या रोल अपना अदा किया है? देखिए सोसाइटी का तो सबसे पहले वालिदैन मुझे बताते थे कि मतलब सोसाइटी का ये कहना होता था कि आप इंतहाई गुनाहगार थे, आपके घर में ये जो डिसेबल पैदा हुए, ये आपके अल्लाह ताला ने आपको गुनाहों का सज़ा दे दिया। इसी तरह से जब मैं छोटा था तो मसाइल काफ़ी थे, ज़ाहिर है एजुकेशन भी इतनी नहीं थी लोगों में, अब तो शुक्र है शऊर आ गया है, माशरे में भी लोग समझते भी हैं इन चीज़ों को, उस वक्त समझते भी नहीं थे तो चीज़ों पे हमें नज़रअंदाज करना या कहीं पर जो है वो किसी तकरीब में हम चले जाते थे तो उसमें भी जो है नज़रअंदाज होते थे कि यार ये हाफिज साहब है ज़रा इनको पकड़ लो कहीं पर बिठा दो, हाफिज साहब आपको निकलने की क्या ज़रूरत है, आप किसी मस्जिद में बैठ जाएँ अल्लाह अल्लाह करें, तो मतलब इस तरह के रवैये लोगों के थे। लेकिन ये कि अब ज़ाहिर है लोगों के पास शऊर आ गया, सोशल मीडिया के आ गया, उसके अलावा जो है काफ़ी लोग एजुकेटेड हो गए, तो अब मैं समझता हूँ और हमने भी अवेयरनेस लोगों में काफ़ी क्रिएट की है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, मैं ख़ुद यहीं का ही तरबियत याफ्ता बंदा हूँ और यहीं से मैंने तरबियत हासिल की है
और उसके बाद ही मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुआ हूँ। देखिए नाजीन, डिसेबल होने का मतलब ये नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ कि डिसेबल पर्सन को आप एक डिफरेंट एबिलिटी वाले पर्सन की नज़र से देखें, और ये माशरे में रहना डिज़र्व करते हैं और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना डिज़र्व करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने अंदर भी पॉजिटिविटी लानी होगी ताकि हम इनके लिए काम करें। जाहिर सी बात, हम काम शुरू करेंगे तो ये बात आगे तक पहुँचेगी। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं लोग ताकि बेबी स्टेप्स के ज़रिए इंसान कोई बड़ा काम कर सके। चलिए फ़िलहाल हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, मुझे अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैडम मैं एमफिल कर रहा हूँ सोशियोलॉजी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में वो स्पेसिफिक नीड्स जो हैं आपकी, वो आपको मिल रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं, टीचर्स कोऑपरेटिव हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से नहीं चलता है। जैसे कि मैंने कहा कि सोशल वेलफेयर तो है, आप जिस इदारे में जा रहे हैं ठीक है, वहाँ के टीचर्स, डीन्स, चेयरपर्सन्स, VC वगैरह का सबका रोल होता है, तो वो आपको लग रहा है कि वो रोल वो अदा कर रहे हैं? मैडम एक्चुअली आप कहीं भी जाते हैं ओवरऑल एजुकेशन अपने हवाले से, तो उधर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अवेयरनेस इन अ सेंस कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे किसी भी जगह पे, सबसे पहले वहाँ के टीचर्स या वहाँ का जो एडमिन स्टाफ होता है वो आपसे ये पूछता है कि आप किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे। हमें बाकायदा तौर पे उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ेंगे और हम करेंगे। सेम इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जब टीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें जैसे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो कुछ टीचर जो है रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। वो समझते हैं कि हम इसको किसी जगह पे मिसयूज़ कर सकते हैं या कोई बात आउट हो जाएगी क्लास की, तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आते हैं। फिर सेम इसी तरह जब मज़ीद आगे जाते तो एग्जामिनेशन का इशू आता है। एग्जामिनेशन में जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नोटिफिकेशन किए हुए हैं कि आप कंप्यूटर के ऊपर भी पेपर दे सकते हैं, आप आया ब्रेल में भी दे सकते हैं, आप राइटर के ज़रिए भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महदूद इलम या अवेयरनेस की कमी की वजह से सिर्फ वो आपको एक फॉर्मेट देंगे राइटर का, और उसके अंदर भी बड़े इश्यूज बनाते हैं कि राइटर ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह का नहीं तो इस तरह का होना चाहिए। तो वो करते 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 कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एग्ज़ाम मिस हो जाता है राइटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के चक्कर में। अव्वल तो आसानी से कोई तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से कोई तैयार हो जाता है राइटर के लिए, तो उसमें भी कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। तो इस हवाले से हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, ताहम ये कि हम हर जगह पे अवेयरनेस और इन चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टाफ भी कोऑपरेटिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसर्स मिल जाते हैं जो आके आपका काम बिल्कुल रोक देते हैं और समझने की पोजीशन में नहीं आते और ये समझते हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या एक ब्लाइंड पर्सन उन्हें क्यों समझा रहा है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई डिसेबल हो, हम उसे इंसान तो समझते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों में एक चीज़ आ जाती है, वो है कि तर्स खाना शुरू कर देते हैं। जब ये तर्स का फैक्टर आता है, ये हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को, सॉरी के साथ ये हर बंदा ऐसे ही होता है, यही लोग उठ के जब अगला बंदा आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी कोई बात भी कर दे तो हम उसका वही वीक पॉइंट उठा के उसके ऊपर मारते हैं कि यार तुम तो चल नहीं सकते हो, तुम फिर नहीं सकते हो, हालांकि हमारा कोई हक नहीं बनता। एक चीज़ जो नेचुरली हुई हुई है, एक चीज़ जो कुदरत की तरफ से हुई है, उससे ना हम लड़ सकते हैं ना कोई। जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब आप पे भी ये तर्स वाला फैक्टर आ रहा होगा ना, आपको अच्छा नहीं फील होता, आप इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो हम क्योंकि हम बोलते चलो ये बंदा नहीं कुछ, मतलब सॉरी के साथ आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट एट ऑल, बट मैं लोगों के नज़रियात बता रही हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओ अगर आप किसी को धिक्का मारो गलती से, तो दिल में नहीं चलो कोई बात नहीं इसको दिख नहीं रहा है, आपको बुरा लगता है कि आपकी वो जो एक सॉरी है उसकी वैल्यू नहीं है, बट वो आपको तर्स खा रहा है। तो ये हमारे माशरे के वो सोशल बिहेवियर है जो अवेयरनेस और एजुकेशन के साथ साथ कम होंगे, लेकिन हमें इसी के साथ सर्वाइव करना पड़ता है किसी न किसी तरह। मुझे जहाँ तक लगता है कि इंसान अपनी फितरत से भी ज़रा थोड़ा मजबूर है, अवेयरनेस है सबको, अब मैं बैठी हूँ मुझे अवेयरनेस है, लेकिन जब आपको कोई अटैक करता है ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम उस बंदे को पॉजिटिवली कैसे समझाएं। तो हमारे जैसे लोग जो हम मतलब ज़हनी माजूर कहते हैं हम जैसे लोगों को, हम मैं ख़ुद को भी उसी में गिनूंगी नाजरीन, ज़हनी माजूर कहते हैं ऐसे लोगों को
जो दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनकी वीक पॉइंट्स को उनके ऊपर वापस फेंक के मारते, ये कोई हल नहीं होता। हमें हल निकालना चाहिए। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकते, लेकिन हम ज़िंदगी और बदतर बना सकते हैं लोगों की, हमारी सोसाइटी में ज़रा ही है। तो सर, आपको लगता है कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड सर्कल भी होगा, जो मैंने बातें की हैं आपको कि आप कभी उनको कोई बात बुरी लग जाए आपकी, तो वो आपको यही पॉइंट्स उठा के वापस नेगेटिवली फेंकते होंगे, यार कि तुम कैसे बात करते हो, हमें क्या पता है, हमें पता है। देखिए, अक्सर ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस आ जाती हैं। तहम जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उनमें काफ़ी पॉजिटिव लोग भी थे, जिनकी वजह से जो है हमें एजुकेशन के दौरान भी काफ़ी हेल्प होती है। मतलब उनकी गैदरिंग के साथ हमें, और कुछ टीचिंग स्टाफ भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आपका ऐसे 10 में से कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका ऐसा पाला पड़ता है। तहम उसका बेहतरीन हल यही है कि आप उन्हें इग्नोर करें, वरना आप उसी के ऊपर स्टक रहेंगे और सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर माशरे में। बिल्कुल सर। तो सर, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं अपनी? जी, फैमिली के साथ। तो आपकी फैमिली ने आपको पॉजिटिवली ज़्यादा इम्पेक्ट किया है या नेगेटिवली ज़्यादा इम्पेक्ट किया है? मतलब सोसाइटी को निगलेक्ट करके आपको ज़्यादा टाइम दिया, आपको प्रायोरिटी रखा, या वो सोसाइटी के बातों में आए हैं? देखें, अगर हम लोग कुछ लोग आप लोगों के सामने हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि उनकी फैमिली सपोर्ट उन्हें करती है, और बहुत सारे लोग जो कि सामने नहीं आ सके, या हज़ारों में ऐसे लोग होंगे जो नहीं आए, उसकी वजह यह कि फैमिली भी उन्हें निगलेक्ट कर देती है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा केयर के अंदर डिसेबल पर्सन को एजुकेशन हासिल नहीं करने देती हैं। हाँ, उनकी एक्स्ट्रा केयर में उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ ख़राब कर देती हैं, उनके हर काम खुद करती हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। और सेम इन सेकेंड केस में कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो कि बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं अपने बच्चों पर, वो बिल्कुल करते हैं कि बिल्कुल नाकारा हो गया है, ब्लाइंड है तो क्या कर लेगा, मदरसे में जाके तालीम हासिल करें, इन लोगों का एजुकेशन से क्या ताल्लुक है, आप क्यों जा रहे हो बाहर पढ़ने के लिए, तो इस तरह की भी क्वेश्चनिंग होती है फैमिलीज़ की तरफ से कुछ लोगों की, जो कि मैं ये कहता हूँ कि अवेयरनेस और एजुकेशन के साथ ही ख़त्म होगा। तो आप मुझे बताएं अपने पर्सपेक्टिव से, क्या ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि हो रही है, सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं? देखें, 2017 में डिसेबिलिटी एक्ट गुलिस्तान पास हुआ, और उसमें बहुत सारे जो है बेहतरीन पॉइंट्स थे, जिसमें आपकी एजुकेशन का पॉइंट्स भी था, एम्प्लॉयमेंट का भी था, आपके जो लॉ से रिलेटेड मामला आते हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, तो वो एक चार्टर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से लिया गया था, और बड़े अच्छे पॉइंट थे, लेकिन बदकिस्मती से अब तक उसके रूल ऑफ बिजनेस कम्प्लीटली तौर पर बने नहीं है, वो सिर्फ एक दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी रूह के मुताबिक, उसकी सोल के मुताबिक नहीं हो रहा। मतलब बेसिकली उनने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए रूल्स बना दिए हैं कि भाई ये आपके रूल्स हैं, बट वो जो फिर आप करने उस पर जब काम अमल की बारी आती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पर 5% कोटा उन्होंने मेंशन कर दिया डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने ये स्पेसिफाई किया रूल ऑफ बिजनेस के अंदर कि कितने परसेंट किस कैटेगरी को मिल सकता है? 4 कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटीज़ की, हाँ, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, मेंटली रिटार्डेड हो गए, जिसे आजकल इंटेलेक्चुअली चैलेंज भी कहा जाता है, सेम इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है आते हैं, तो क्या उनकी कैटेगराइज हुई कि आया आबादी की रेशो के हिसाब से, जो सेंसिस की रेशो है उसके अंदर उनका कोटा दिया जाए? तो इस तरह के भी काफ़ी इशूज़ हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक टोटली ब्लाइंड बंदा बिल्कुल रह जाता है, और अगर 8 या 10 फिजिकली हैंडीकैप है तो उनकी जॉब हो जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो कि ऐसा नहीं है, उन्हें अवेयरनेस की कमी है। हम स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए तकरीबन 80% अपने काम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ग्राफिक्स के अलावा ज़्यादातर काम हम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि क्या हमारे बलूचिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो उन्हें इन चीज़ों की ट्रेनिंग दें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आगे ले आएँ, उन्हें असिस्टेड डिवाइसेस सब्सिडाइज रेट के ऊपर दिए जाएँ? बस किस्मती से ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। वालेकुम सलाम, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आप मुझे अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज़ोरा है और मैं सुप्रीम वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, फॉर द PWDs अमा डिसेबल के लिए काम करें, जितने भी PWDs हैं सब के। आप मुझे ये बताएं, एज अ मेल, तो चले मेल में इतनी पावर होती है कि वो क्रिटिसिज्म हैंडल कर ले, फीमेल्स जो है वो बनी कि हमारे ज़ुबान में हम कहें नाजुक बनी होती है, सेंसिटिव होती हैं वो, आप एज अ डिसेबल पर्सन और फिर फीमेल कैसे सर्वाइव कर रही हैं? बहुत मुश्किल से मैं जितना मैंने एजुकेशन अभी हासिल किया है, मैंने
एस बी के यूनिवर्सिटी से बी एड ऑनर्स कम्प्लीट किया है। तो वहाँ पे मैंने बहुत मुश्किल देखे, क्योंकि घर वाले तो यही बोलते थे कि घर में मतलब आप तैयारी कर ले, प्राइवेट बीए या प्राइवेट एमए कर ले। लेकिन मैंने पहले घर वालों से लड़ के मैंने एडमिशन लिया है। पहले मैंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कॉलेज में मैंने डी किया था। वहाँ पर जिस दिन मैं एडमिशन के लिए जा रही थी टेस्ट देने के लिए, तो गेट के मतलब जैसे मैं गेट में इंटर हो रही थी, वहाँ पे दो मर्द खड़े थे लड़के टाइप, तो उन्होंने वो हंसने लगे, कहते ये टीचर बनेगी, अब ये मुस्तकबिल की टीचर बनेगी। तो बस फिर मैं अंदर गई, बहुत मैंने सोचा कि बस मैं नहीं आऊँगी कल से। फिर मैंने सोचा नहीं, घर आई मैंने भाई से भी कहा कि बस कल से मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। वजह उन्होंने पूछी पर वजह मैंने नहीं बताई, क्योंकि वो कहते थे बस घर में तैयारी कर। मैंने कहा फिर ये कहेंगे कि हमने कहा था कि घर में तैयारी कर। बस सारी रात मैंने सोचा, फिर अगले दिन मैं गई, मैंने कहा नहीं, अगर इस तरह मैंने ये लोगों की बातों को दिल पे लिया, दिमाग पे लिया इस तरह, तो बस हम एक साइड के होके रह जाएंगे। हमारे यहाँ के लोग मेंटली डिसेबल्ड है, एक होता है एक डिसेबल कैटेगरीज में है। कोई ऐसा मोड़ था जब आपने सोचा हो कि मैं नहीं कर सकती, बस मैं गिव अप कर दूंगी, मैं ये अपनी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, मैं सुसाइड करने की कोई आपने कोशिश की हो या आपने सोचा हो कभी इस बारे में? नहीं नहीं, कई बार ऐसे हुआ है, कई बार जब घर वाले बोलते थे कि आप नहीं कर सकती हो, बस आप ये एस बी के में मैं एडमिशन ले रही थी, तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट था वहाँ पर ब्रिज है, भाई ने सब ने घर वालों ने कहा कि आप मत जाओ, आप नहीं कर सकती हो, ब्रिज से जाना होगा। फिर मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, बस मैंने घर वालों से पूछा ही नहीं, मैं खुद गई, मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे लिए ये मेन गेट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ये गेट मेरे लिए खोल दे। तो फिर शुक्रिया उन लोगों का, इस विके वालों का, उन्होंने मेन गेट भी खोला और मुझे बिल्कुल अंदर डिपार्टमेंट पे क्लास के सामने तक मेरी मेन को छोड़ते थे। फिर मैं वहाँ अंदर जाती थी, तो इसी तरह मैंने अपना 4 साल का बीएड ऑनर्स बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटियाँ होती है वो नॉर्मल लोगों की होती है, वहाँ उस तरह की बनी होती है, वहाँ पे चलना फिरना सब उनके मुताबिक होता है। तो मेरे लिए मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह बस मैं करके दिखाऊंगी। और इसी वजह से कि कहीं जॉब मिल जाए, इंसान किसी पे बोझ ना बने, ना माशरे पे, ना मुल्क पे, ना घर वालों पे। लेकिन अभी काफ़ी साल हो गए मैंने अपनी डिग्री ली है और मैं जॉब के लिए कई सालों से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जॉब कहीं पे नहीं मिलती है। जहाँ पे भी अप्लाई करो, टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, बाद में रिज़ल्ट का पता नहीं चलता कि किसको मिली किसको नहीं, रिज़ल्ट तक ये लोग शो नहीं करते। अगर इनसे डेटा मांगो ये नहीं देते कि कौन लगा कौन नहीं, बस कई साल से बस यही कर रही हूँ। तो आप इस वक्त जॉबलेस हैं? जी बिल्कुल। तो और आप मुझे बताएं कि जिस एनजीओ में आप काम कर रहे हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, वहाँ पे कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आपने क्या काम किए हैं, उनमें से कितने काम हो चुके हैं और कौन से काम हैं जो पेंडिंग है नहीं हो रहे? नहीं, काफ़ी काम हो चुके हैं। ये सर नसीबुल्लाह काफ़ी भाग दौड़ करते हैं सब के लिए, जहाँ भी जाना होता है, कोई डिसेबल का मसला होता है, यहाँ तक कि भी कई ऑफिस में कई जैसे नादरा वगैरह में टाइल्स वगैरह लगे तो वहाँ पर कोई डिसेबल जाता है, उनके लिए चलना बहुत मुश्किल है, उसके खिलाफ़ हमने आवाज़ उठाई है। बाकी जो अनएजुकेटेड है उनको कहीं पे मतलब ये वोकेशनल जो होते हैं डिग्रियाँ मिलती है या इस तरह के काम होते हैं तो उनको वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ सिखा देते। तो बाकी जिसको भी कोई मसला होता है, जैसे डिसेबल सर्टिफिकेट का मसला था तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका कोई मसला होता है हम कोशिश करते हैं। सर नसीबुल्लाह आगा हो गए, सर ज़रीफ़ हो गए, ये सारे मतलब काफ़ी माशाल्लाह काम हुआ है, काफ़ी डिसेबल के सर्टिफिकेट इन्होंने बनाए, काफ़ी काम किया। आप भी अपनी फैमिली के साथ ही रह रही हैं? जी जी। तो अभी भी मतलब इतना सब आपने काम किया उसके बावजूद आपको लगता है कि उनमें थोड़ा चेंज आया है, थोड़े पॉजिटिव हुए हैं? फैमिली वालों में तो अभी तक फ़िलहाल थोड़ा बहुत इसलिए आया है कि जब मैं जिस दिन मुझे डिग्री मिल रही थी मैंने सबसे पहले वो जो कोट होता है वो पहन के अपने भाई के पास में गई। मैंने कहा चलो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने कहा याद है आपने कहा आप नहीं कर सकती है, इतना ब्रिज है ये वो है। फिर उसने कहा चलो सलाम हो आपको। फिर मैं अपने एक भाई को साथ लेके गई, वहाँ पे जब डिग्री मिल रही थी तो तब गवर्नर ने कहा कि इसके साथ कौन आया है ना, तो बाकी सबको तो स्टेज पर मिली, मेरे लिए गवर्नर साहब नीचे आए, फिर मेरे भाई को बुलाया, फिर मतलब जितने भी लोग थे सबको कहा कि खड़े हो कि इसके लिए क्लैपिंग करो, ये डिग्री लेना कोई नॉर्मल इंसानों के लिए इतना मुश्किल है इसने कैसे ली। फिर मेरे भाई को कहा कि बस ये अपनी बहन की हिम्मत देखो, फिर वहीं पे बस मेरे भाई को दुख भी हुआ, मेरे भाई के आंसू आए। फिर घर आके उसने कहा बस वाकई आप कर सकती है जो भी है,
तो अभी माशाल्लाह काफ़ी चेंजेस आए, थोड़े बहुत पहले से काफ़ी। अम्मी कहती थी बस घर में बैठो, इतना मुश्किल है, वैन में कहाँ चढ़ सकती हो। दिल मेरा इतना दुखता है, रोज़ाना वैन में चढ़ती हो, गर्मी सर्दी मुश्किल है आपके लिए। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगी। मैं मोहम्मद ज़रीफ हूँ, मैं सुप्रीम वेलफेयर सोसाइटी मजूरान से हूँ। मैं सरपरस्त आला हूँ, मैं इस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ। आपसे भी मैं सेम क्वेश्चन करूँगी कि आप मुझे अपने जर्नी का थोड़ा सा बताएं। मैं दरअसल सरपरस्त मैं आला हूँ, बहरहाल मैं खुद दरअसल मेरी जॉब भी है, बहरहाल मैं इस लोगों के साथ मैं काम करता रहा हूँ मुख्तलिफ हवाले से। जैसे जो बाकी लोगों ने जो बात किया था ना, मेरे खुद जहन में ये हार है कि काफ़ी मैं तो बार बार भी बताया हुए था तकरीबन काफ़ी डिसेबिलिटी के बारे में कि माशरे में डिसेबल अफराद बहुत अकदार भी है और ऐसे ज़िंदगी मैं आम लोगों ने, क्योंकि मैं बीएमसी से मेरे ताल्लुक़ है ना, ये जो डिसेबल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं कभी कभार इस तरह लोग हैं कि दास्तान जो बयान कर लेते हैं कि बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुजार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान और लोग अपने आप को बढ़ना बढ़ते देखना चाहते हैं लेकिन बाकियों को पीछे रखना चाहते हैं। बड़े मजाक के पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि होने नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पे हम, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मुल्क को, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क का नाम हमारे हम जैसे लोगों की वजह से ख़राब होता है। हेल्थ के हवाले से मैंने एक दूसरा चीज़ भी मैडम मैं बताना चाहता था, खासतौर हेल्थ के क्या, क्योंकि हम लोगों ने बार बार भी जिक्र किया कि डिसेबल अफराद कई प्रोग्राम में हम लोगों ने बता चुके हैं कि डिसेबल अफराद में हॉस्पिटल में अलग काउंटर होना चाहिए। बेशक, क्योंकि अभी ब्लेंड है काफ़ी हम लोग के पास आए हुए धक्के वगैरह, क्योंकि वो अभी अगर आप एक दफा जाए तो वहाँ पर काफ़ी रश है कि वो डिसेबल मुश्किल से कभी या पहुँच नहीं जाता या धक्के वगैरह खा लेते हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी हम लोगों ने ये इस पर मैंने काफ़ी कई मरतबा भी मैंने जिक्र किया हुआ है, नादरा से भी हम लोगों ने ये जिक्र किया हुआ है कि भाई आप लोग, मैंने कभी अंदर जब जाए इंतजारगा अलामा करे वो ऐसे चेयर बनाए हुए हैं कि बिल्कुल वो डिसेबल ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। अभी खुदा न खासा इस ठेल में अगर खुदा न खासा कोई गिर जाए, खुदा न खासा अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गया है, आँख टूट गया या जो भी मसला आ गया था, तो इसका फिर मुस्तकबिल ये पिछले महीने भी हम लोगों ने इसके डायरेक्टर से हम लोगों को दफा बात किया, तो मैंने बोला डिसेबल अफराद के लिए कोई ऐसे सहूलत दे दो ताकि वो आसानी से आ सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। और जॉब के बारे में मैं कई मरतबा कई भाई हमारे ऐसे डिसेबल अफराद है कि अभी खैर अभी तो मशरे में तो इस तरह लोगों को पता नहीं है कि डिसेबल किस तरह जिंदगी, आजकल तो ऐसा दौर है अपना बहुत मुश्किल से गुजारते हैं, तो बस आजकल का जमाना ऐसे पता सबको तो होता है, बस वो खुद डिसेबल का कौन सोच रहा है। तो मैं कहता हूँ खास तौर हम लोगों ने गवर्नमेंट का बार बार हम लोगों ने जिक्र किया कि भाई प्लीज़ अभी हमारे पास इस तरह बंदे हैं जैसे, तो देखो एक बंदा जो ख्वाब देख रहे हैं कि भाई मैं इतना तालीम करूँगा, हमारा इतना जॉब होएगा, हमारा इतना सीट होएगा, वो हो गया ना, मगर फिर वो इंसान जब ईसा से कमतरी में शिकार हो जाए तो फिर ज़ाहिर वो खामखा दुख होता रहता है ना। जैसे आप मुझे बताएं कि आप सोशल वेलफेयर से आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप वो डिमांड्स करें हमारे थ्रू ताकि वो उन डिमांड्स पे काम शुरू करें। सोशल वेलफेयर से तो हम लोगों ने कई मरतबा जिक्र भी किया हुआ है कि ख़ासतौर जॉब के हवाले से थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए और बाकी जो जितने भी डिसेबल अफराद हैं, जैसे अपनी जो बस के जिक्र किया हुआ जी ग्रीन बस, हमारे डिसेबल अफराद इस कन्वेंस के बारे में बहुत काफ़ी मुश्किल आते हैं, क्योंकि चलो अभी जो रोज़गार वाला बंदा है वो तो चलो रक्षे वगैरह में जा सकते हैं, अभी ऐसे बेरोजगार अफराद है कि वो रक्षे तक किराए नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते किराए, अभी बस का तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अभी आप बस में अगर आप जाए तो आपको पता है इसका स्टाफ कहाँ पर है, शहर से कितना दूर है, तो ज़ाहिर शहर में तो फिर दोबारा रक्षे में बैठना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये सोशल फिर से हम लोग फिर भी मैं चाहे इसका सेक्रेटरी हो जो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसके बारे में डिसेबल अफराद को अटैच शहर में इसके लिए ज़रूर आप लोग वो सहूलत बना दें ताकि उसके कन्वीनस और वगैरह का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि डिसेबल अफराद काफ़ी मुश्किल में है। अभी अगर आप फर्ज करीब बाहर निकल जाए या किसी घर की सुविधा के लिए या कोई काम के लिए या कोई ज़्यादा काम के लिए, तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर या तो गृहिणी होता है या तो दूसरों के, आजकल तो ऐसे दौर है कि बिल्कुल
ख़ास तवज्जो भी नहीं दे रहे, क्योंकि मैं जैसे आपने पहले बरमाया था जो रोडा से आपने बात किया था ना कि एहसास है कमज़ोरी। अभी देखो ये तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को बताता हूँ कि अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं, अनपढ़ को तो छोड़ो, अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं, उसको तो ये छोटे बच्चे को पता है कि यार ये बंदा डिसेबल है। तो ये एहसास में कुछ फ़र्क होता है कि कोई बंदा एहसास कर लेते हैं, कोई बिल्कुल उसमें एहसास है नहीं, वो तो बिल्कुल डिसेबिलिटी को देखते हैं ना, तो आपको मजबूरी को देखते हैं, ऐसे लोग क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, हम लोग ये गुजरा हुआ है, हम लोगों ने खुद देखा, हम लोगों ने महसूस किया हुआ है, हर किस्म के लोगों के साथ हम लोग वास्ता पड़ा हुआ है ना, कि ये चीज़ को जो है बिल्कुल वो नहीं करते। मैं कहता हूँ डिसेबल अफराद को जितना वो तो चलो माजूरी जो है वो अल्लाह ताला की जान से आता रहता है, मैं कहता हूँ मैं आम नॉर्मल लोग जो है कुछ तो बेशक अगर सोसाइटी अगर ये कर सकते हैं मगर दिल आज़ारी भी ना करें। सही बात, बिल्कुल यही बात हम आवाम से कर रहे हैं, यही बात हम अपने ऑडियंस से कर रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं कि आपके मुल्क में आप पाकिस्तान को बेहतर बना सके, उसके लिए पहले आपको खुद सही होना पड़ेगा, चेंज खुद से शुरू होता है, ये नहीं होता जैसे हमें कहते हैं ना कि अगर रोड पे कचरा पड़ा है तो हम बोले यार उसका कचरा है तो मैं नहीं उठाऊँगा, तुम उसका कचरा है, मुल्क आपका गंदा हो रहा है, आप उठा के फेंक दो, चेंज आपसे शुरू होता है, चेंज आपसे स्टार्ट होगा, आप बेबी स्टेप्स लेंगे तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। जब हम खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे हम क्या किसी को या क्या माशरे को चेंज करेंगे। तो साहब मुझे बताएं आप एजुकेटेड हैं? जी मैं मैट्रिक तक की हूं। तो आपने जो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं की वो आपने सहूलतों की वजह से नहीं कर बात इस तरीके से बताऊँ पढ़ रहा था, मैं हॉस्टल में रह रहा था तकरीबन 8 साल मैं वहाँ पर था, बाद में जो मैं वहाँ से फारिग हो चुका हूँ तो फिर मेरे पास आज का तो गुरबत ज़्यादा है ना, क्योंकि तालीम भी आजकल जब पैसा ना हो तो फिर वो तालीम कोई बंदा हासिल नहीं कर सकता है ना, जिसके पास पैसा हो तो फिर वो इंसान आगे जा भी सकता है, तालीम हासिल भी कर सकता है। अभी गुरबत में अब खाने को नहीं मिलता है तो फिर आप तालीम कहाँ से हासिल करेगा। और दूसरा चीज़ है ये मैंने पहले भी या ख़ासतौर जो यूनिवर्सिटी वगैरह का जो फीसिस वगैरह जो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा डिसेबल दे नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि डिसेबल अपरा जो है वो पहले से भी गुरबत की शिकार में, बेरोज़गार की शिकार में, कि वो ऐसे वो नहीं, हम लोग तो आपके चैनल के तवसुत से मैं ये यूनिवर्सिटी वो कॉलेज वजूद हूँ, मैं कहता हूँ जैसे मिसाल आम स्कूलों में जो एडमिशन फ्री है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी फ्री कर लिया जाए ताकि फिर उसका मुस्तकबिल और ज़िंदगी बन जाए और मुश्किल के वो दुश्वार ना हो। अभी आपको पता है कि आजकल तालीम जो है वो इसके बाद मैं खुद भी गुरबत की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो तो रेड़ी चला रहा था फ्रूट का, अभी एक फ्रूट के रेड़ी वाले जो है वो तो वो घर का गुजारा कर ले कि तालीम और किताबों का प्रयोग कर ले कहाँ से। तो इसमें हमारे काफ़ी इस तरह डिसेबल अपराध हैं कि वो गुरबत में की वजह से वो आगे तालीम जारी नहीं रख सकता। और एक दूसरा चीज़ में थोड़ा सा तसली में जाता हूँ, ये जो फेमस साइकिल के बारे में जो कोई पॉलिसी जो रखा हुआ है जुदा नकात मैडम, इसलिए थोड़ा सा मैं उसका इख्तलाफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे एक डिसेबल है जब 14 नकात जो पूरा कर लेते हैं, ये तो गवाहों को पकड़ लेता है, फिर उस मिल जाए या ना मिल जाए फिर DC के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उधर से तो आपको पता है इधर से वहाँ से एक दूसरे जगह से नक्शे में जाना, तो हमारे डिसेबल के लिए ये मैंने कई मरतबा सोशल वेलफेयर को मैंने कई मरतबा गुजारिश भी की कि हमारे डिसेबल के लिए बहुत मुश्किल आते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे पहले ज़माने में एक रूल था उसी रूल के मुताबिक वो सहूलत दिया जाए, अभी गवाह कहाँ से लाएगा, आजकल तो ऐसे दौर कोई पहले मैं गवाही नहीं दे सकता, मुझे क्या पता इस तरह बने क्या ये किस तरह बने, तो मैं कहता हूँ ये 14 नुका जो है मैं कहता हूँ 9 लाख। मेरा नाम सैयद नसीबुल्ला है और मैं सुप्रीम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि राइट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान को तो छोड़ते हैं बलूचिस्तान में? नहीं बिल्कुल, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि सोशल वेलफेयर एक बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे लिए एक घर की तरह है,
तो यहाँ पे हमारे जो ब्लाइंड है, हमारे जो डिसेबल ख़वातीन हैं, हमारे डिसेबल मेल हैं, उन लोगों ने काफ़ी अप्लाई किया है जॉब के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें रिज़ल्ट नहीं देते कि आपने ये अभी इसका इंटरव्यू टेस्ट हो गया या नहीं हुआ, यहाँ तक आपको पता चलने भी नहीं देता है। अभी यहाँ से जो अभी हमारे प्रोग्राम में ज़ोरा बैठी हुई थी, उसने कहा था इसने 5 से 6 अप्लाई सिर्फ सोशल वेलफेयर में की हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ तो दरमियाने ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ का पता ही नहीं चलते हैं, अभी निगरान हुकूमत है तो ये इसमें जो पुराने आर्डर्स है, अभी इनका भी पुराने आर्डर में है, वो अभी भी आर्डर दे सकते हैं, उस पर हो सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, हमारा कोई इदारा सीरियस ही नहीं है। जब तक हम सीरियस नहीं होगा, हमारा कोई मसला नहीं हो सकता। और हमारा जो मेन मसला है, पहले भी मैंने बताया, अभी भी बताऊंगा, बाद में फिर बताऊंगा, सबसे पहले जो है ना, हमारा सबसे पहले मसला है रोज़गार। रोज़गार रोज़गार अगर हमारे पास होगा तो हमारे तमाम मसाइल का हल है। और दूसरी बात यह है 2017 एक्ट जी, जो इसका अगर नोटिफिकेशन पास हो तो ये से लेकर जेड तक इसमें तमाम मुश्किलात हमारी है। और एजुकेशन, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से देख रहा हूँ, एजुकेशन हमारा पहले तो आगे जा रहा था, लेकिन अभी देख रहा हूँ रिवर्स पे जा रहा है, रिवर्स पे जा रहा है। तो ये हमारा, तो आप मुझे कोई ऐसी बात है जो आप बोलना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पैगाम आप देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई अपील हो, सोशल वेलफेयर वालों से या लोगों से, तो प्लीज़ आप बेझिझक आज बोल दें। बिल्कुल, मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने जो हमारे इदारे हैं। सबसे पहले अगर मैंने एक इदारा खोला है, उसमें मैंने बंदे बिठाए हैं खिदमत के लिए, अगर मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि मेरा बंदा किस, ये मेरे डिपार्टमेंट जो है ना, ये अपना जिम्मेदारी अदा कर रही या सिर्फ एक बाईपास किया जा रहा है इस तरीके से, तो जब तक हम इसके बारे में सीरियस नहीं होगा, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर स्टेप उठाना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। किस से उठाना चाहिए? हमने सबसे पहले सोशल वेलफेयर से उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इदारा जो है ना वो सोशल वेलफेयर है। अगर सोशल वेलफेयर अपना अच्छा स्टेप उठाएंगे, अच्छा किरदार अदा करेंगे, तो बाकी इदारे सोशल वेलफेयर जो है ना, बाकी इदारों के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है, वो उनको लिख सकता है, उनको बोल सकता है कि हमारे डिसेबिलिटी का ये इशू है, वो इशू है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें कंप्लीट हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, इन सब के अपनी डिमांड्स आपने देखी, डिमांड्स इन सब के सेम है, सब अपने एजुकेशन के हक के दें, और बेसिकली इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए, इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करने के लिए वो अपना हक मांग रहे हैं, जिसमें वो गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं कि उनको जॉब मिलनी चाहिए। सोशल वेलफेयर में मैम जोहरा ने अप्लाई किया, बहुत बार अप्लाई किया, जैसे उनका कहना है कि पता ही नहीं होता, रिजल्ट अनाउंस होता है नहीं होता, कोई वो पता ही नहीं लगने देते कि जॉब पे रखा गया है कि नहीं रखा गया। हालांकि सोशल वेलफेयर वो इदारे हैं जिनको, इन लोगों को जॉब्स पे रखना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डिसेबल्स को राइट प्रोवाइड करे। जब वो बंदे खुद ही उनको जॉब पे नहीं रख रहे, वो आगे क्या काम करेंगे सोसाइटी के लिए? सोशल वेलफेयर तो फिर उनका नाम भी चेंज कर देना चाहिए हमें, कि आप जाहिर से बताओ, आप सोसाइटी के लिए काम नहीं करें। हर एक एज लिमिट होती है, आपको पता है पाकिस्तान में हर बंदा एक एज लिमिट के बाद रिटायर हो जाता है। हमें इनके लिए काम करना है, तो सोशल वेलफेयर वालों से भी मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि खुदा रहा इनका काम करें। हाँ, ये भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, हम से, मुझसे और आपसे सोसाइटी नहीं चल रही, इनकी प्रेजेंस से, इनके होने से भी हमारी सोसाइटी चल रही है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग क्या कर सकेंगे? हम सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इस पे काम करेंगे, कोशिश करेंगे, एक नज़र डालेंगे। इसी के साथ मैं अरवा लियाकत बरवक़्त टीवी के साथ खुदाफ़ी करती हूँ, और फिर मिलते हैं बेनकाब के नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।